हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। फ्रेंड्स, आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं नया टॉपिक लेकर। आज हम कक्षा 9 द्वितीय भाषा का चैप्टर नंबर 23 जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी गद्य का अभ्यास करेंगे, जो कि एक संस्मरण है भारती जी का। हाँ, धर्मवीर भारती जो कि एक साहित्य प्रकार हैं, उनके जीवन का संस्मरण है। लेखक और साहित्यकार बनने वाले व्यक्ति को बचपन से ही पढ़ने का शौक होता है। धर्मवीर भारती को भी भविष्य में साहित्यकार बनना था, इसलिए बचपन से ही उन्हें पढ़ने का शौक था। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने अपने उसी शौक की चर्चा की है। तो ये भारती जी का बचपन का संस्मरण है, उन्हें बचपन में कैसे पुस्तकें पढ़ने का शौक था और आगे चल के वे कैसे साहित्यकार बने। तो इस संस्मरण पर जाने से पहले भारती जी का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी सन इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन्होंने एमए पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वहाँ हिंदी विभाग के प्राध्यापक नियुक्त हुए। सन 1960 से 1988 तक धर्मयुग जैसे प्रतिष्ठित साप्ताहिक का संपादन कार्य किया। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं भी की थी। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था और साहित्य सेवा के लिए व्यास सम्मान से अलंकृत किया गया। धर्मवीर भारती की नई कविता के श्रेष्ठ कवि हैं। उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार थे। अंधायु, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा उनके काव्य संग्रह हैं। काव्य नाटक अंधायु उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा तथा 11 स्वप्नों का देश उनके प्रमुख उपन्यास हैं। गुल की बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान आदि कहानियों का हिंदी में नई कहानी में विशिष्ट स्थान मिला है। ठेले पर हिमालय और पश्यंती उनके निबंध संग्रह हैं। प्रस्तुत संस्मरण द्वारा धर्मवीर भारती जी ने अपने बचपन के दिनों की बातों को हमारे सामने रखी है। उनका बचपन गरीबी में बीता था, लेकिन उनको पढ़ने का बड़ा शौक था। स्कूल में से इनाम में 2 किताबें मिली थी, तो पिताजी ने अपनी अलमारी में जगह देकर लेखक की अपनी लाइब्रेरी बना दी। वहाँ से लेखक को किताबें इकट्ठी करने की धुन सवार हो गई। माँ ने पिक्चर देखने के लिए 2 रुपए दिए थे, लेकिन लेखक का मन पलट जाता है और वे पुस्तकों की दुकान में से 10 आने की देवदास नाम की पुस्तक खरीदते हैं। लेखक ने अपने पैसों से खरीदी हुई वह पहली किताब थी। इस पाठ में लेखक ने जीवन में पुस्तकों के महत्व पर प्रकाश डाला है। तो फ्रेंड्स, आपको इस संस्मरण से पता चलेगा कि हमारे जीवन में पुस्तक कितने महत्वपूर्ण हैं। तो चलें फ्रेंड्स, भारती जी का संस्मरण। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारावादी आंदोलन पूरे जोर से था। मेरे पिताजी आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था, लेकिन उन्होंने मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। आर्य समाज, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए, बाल सखा और चमचम। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदर राजकन्याओं की कहानियाँ और रेखाचित्र। मुझे पढ़ने की चाह लग गई। हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता।
अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्य मित्र पढ़ने की कोशिश करता। घर में पुस्तकें भी थी, उपनिषद और उनके हिंदी अनुवाद। सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आता था, पर पढ़ने में मज़ा आता था। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी है। तो फ्रेंड्स, लेखक की जो आर्थिक स्थिति थी बचपन में ठीक नहीं थी, फिर भी उनके यहाँ नियमित रूप से पत्र पत्रिकाएं आती थी, और ख़ास लेखक के लिए बाल सखा और चमचम भी आती थी, और लेखक हरदम उन्हें पढ़ते थे। खाना खाते समय थाली के पास भी वो पुस्तकें रहती थी, और आजकल हम टीवी के पास और मोबाइल में ज़्यादा खोए रहते हैं। तो भारती जी के पिता पहले सरकारी नौकरी करते थे, उनमें उन्होंने अच्छा पैसा कमाया था। बाद में गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। भारती जी की माँ एक कन्या विद्यालय का संचालन करती थी। पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे। चलिए आगे देखते हैं। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद सरस्वती की एक जीवनी। रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित, वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की, जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। चूहों को भगवान का मीठा खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह उनकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है, जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य रूढ़ियाँ हैं उनका खंडन करना, और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा कर उसे सहारा देना, यह सब मेरे बाल मन को बहुत ही रोमांचित करता था। तो फ्रेंड्स, परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती थी, फिर भी घर में पत्र पत्रिकाएं नियमित आती रहती थी। आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी, दो बाल पत्रिकाएं, बाल सखा और चमचम, ये खास भारती जी के लिए आती थी। भारती जी की प्रिय पुस्तक थी आर्य समाज के स्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जीवनी, सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती के व्यक्ति और उनके जीवन की घटनाओं से लेखक बहुत प्रभावित हुए थे। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती थी। लड़का कक्षा में किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा, कहीं खुद साधु बनकर फिर से भाग गया तो? पिता कहते, जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने तो दो, मैं स्कूल नहीं भेजा गया था। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिताजी नहीं चाहते थे कि ना समझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः स्कूल में मेरा मन नाम लिखाया गया। जब मैं कक्षा दो तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था, तीसरे दर्जे में यानी थर्ड स्टैंडर्ड में लेखक भर्ती हुए। उस दिन शाम को पिताजी उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान पर ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सर पर हाथ रख कर बोले, वायदा करो पाठ्यक्रम की किताबें भी इतनी ही ध्यान से पढ़ोगे और माँ की चिंता मिटाओगे, चिंता का कारण नहीं बनोगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे और चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और पांचवें दर्जे में तो मैं फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। तो फ्रेंड्स, भारती जी की माँ की इस बात की चिंता रहती थी कि बेटा स्कूली पढ़ाई न कर बाहरी पुस्तकें पढ़ता रहता है। भारती जी ने स्कूल पढ़ाई न कर बाहरी पुस्तकें पढ़ता रहता था और फिर भी कक्षा दो तक
पढ़ाई घर पर ही की थी। पिता नहीं चाहते थे कि ना समझ उम्र में लड़का गलत संगति में पड़ जाए, इसीलिए उन्होंने तीसरे दर्जे में उसे स्कूल में भर्ती करवा दिया। और जिस दिन भारती जी स्कूल में भर्ती हुए, उस दिन की शाम को पिताजी ने लड़के को अनार का शरबत पिलाया और यह कहा कि वादा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी वही ध्यान से पढ़ोगे और माँ की चिंताएं दूर करोगे। पाँचवें दर्जे में भारती जी फर्स्ट आए और अंग्रेजी में उन्हें सबसे ज़्यादा अंक मिले, इसलिए इनाम के तौर पर उन्हें दो पुस्तकें मिली। अंग्रेजी में ज़्यादा नंबर सबसे आए थे, अतः स्कूल से इनाम में दो किताबें मिली थी। एक में दो छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियां, उनकी बोलियां, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। दूसरी किताब में ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी की कथाएं थी, कितने प्रकार के पानी होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की जिंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे जीव मिलते हैं, कहाँ व्हेल होती है और कहाँ शार्क होती है। तो ये जो दो पुस्तकें मिली थी भारती जी को अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने पर, इसलिए इनाम के रूप में उन्हें वे दो पुस्तकें अंग्रेजी मिली थी। एक पुस्तक में बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं, तो दूसरी पुस्तक थी ट्रस्टी दरक, उसमें नाविकों और मछलियों के बारे में रोचक जानकारी दी गई थी। आगे देखते हैं, इन दो किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया, पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी के एक खाने में अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का है, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है, यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई, उसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। पिता ने अपनी अलमारी का एक भाग भारती जी को दिया, जिससे वह वहां अपनी पुस्तकें रख सके। इनाम में मिली इन दो पुस्तकों से भारती जी की लाइब्रेरी शुरू हो गई। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में एक रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामानव मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन तक अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी। हरिभवन स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जाकर अध्ययन करता। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, इलाहाबाद में दो पुस्तकालय थे, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए पब्लिक लाइब्रेरी और मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन। एक छोटी लाइब्रेरी लेखक के मोहल्ले के हरिभवन में थी, स्कूल से छूटते ही लेखक वहां पहुंच जाते। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आपके लेखक को पुस्तकें पढ़ने का कितना शौक था। ऐसे नहीं कि वो दूसरी पुस्तकें पढ़ते थे तो अभ्यास की पुस्तकें ना पढ़ी, तो वो भी हमने देखा कि उन्हें अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा मार्क आए, अपनी पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी अच्छे से पढ़ते थे और इनाम में दो पुस्तकें भी मिली थी। और इस तरह लेखक को पुस्तकें पढ़ने का शौक हुआ और इसी तरह लेखक ने साहित्यकार बने और उन्होंने पहली पुस्तक खरीदी जिसका नाम था देवदास। इस तरह लेखक साहित्यकार बन गए और उनकी पुस्तकों में रुचि होने लगी। तो फ्रेंड्स, जीवन में पुस्तकों का बहुत ही महत्व होता है। तो आशा करती हूँ यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। भारती जी के संस्मरण द्वारा एटलीस्ट इतना तो सीखे कि पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए, वो हमारा मार्गदर्शन करती हैं। तो फ्रेंड्स, इस इकाई में आए हुए शब्दार्थ देख लेते हैं। आह्वान ने बुलावा, अदम्य जो दबाया ना जा सके, प्रबल रोमांचित पुलकित जिसके रोएं खड़े हों, टॉल्स्टॉय रूसी कथाकार, विक्टर हुगो फ्रांसीसी कथाकार, मैक्सिकन गोरकी एक रूसी कथाकार,
इश्यू कराना, निसर्ग कराना, कोशिश, प्रयत्न, रोचक, रुचि अनुसार, जीवनी यानी जीवन चरित्र, खंडन यानी विभाजन, संगति यानी संगत मेल, कुल्लड़ मिट्टी का बर्तन, अक्सर यानी खास करके, सहमति यानी अभिप्राय। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से एक एक्सरसाइज है जो आपको करनी है। फ्रेंड्स, मेरी प्रिय पुस्तक विषय पर निबंध लेखन आपको करना है। आपकी जो भी प्रिय पुस्तक हो वो क्यों आपकी प्रिय है, उसके अंदर ऐसा क्या है जिससे वो आपकी प्रिय पुस्तक है, उस पर आपको कम से कम 125-150 शब्दों में निबंध लेखन करना है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से जो भी एक्सरसाइज होगी, जो भी होमवर्क होगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा। तब तक के लिए बने रहें, हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।